तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपकी दीवारें या किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। यदि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता तो उसे डरने का कारण क्या? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। महंत जी बाल योगी से प्रभावित हुए, लेकिन अगर उन्हें अंदर आना स्वीकार न था तो महंत जी भला क्या करते? बालक की मौत निश्चित थी। भय नहीं, सिर्फ प्रेम ही नीलकंठ का एकमात्र प्रतिभाव था। उनके आध्यात्मिक प्रकाश ने हिंसक सिंह को अहिंसक बना दिया। नीलकंठ भीतर से शांत थे, इसलिए बाहर भी उनके आसपास शांति व्याप्त हो जाती थी। सुबह होते ही शेर जंगल लौट चला और शांति गांव में लौट आई। ग्रामवासियों ने नीलकंठ को श्रीपुर में ही रहने के लिए प्रार्थना की। नीलकंठ ने समझाया कि रोजाना जिंदगी के छोटे मोटे डर हों या मौत का डर, उससे मुक्त होने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत है। नीलकंठ जहां भी गए, अनगिनत लोगों ने उनका प्रेम पूर्ण स्वागत किया। ये भारत के वो लोग हैं जो विश्व की सबसे ज्यादा विविधताओं से सभर हैं, जहां मानव अभिलाषा की हर तरह की अभिव्यक्ति है और हर तरह की जीवन शैली है। विश्व की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक परंपराओं का जन्म हुआ था भारत में। इसका मूल है पवित्र वेदों में, जो सिखाते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर जी सकते हैं, अनेकता में भी एकता हो सकती है। आज भारत अलग अलग धर्मों, परंपराओं और पृष्ठभूमि के 100 करोड़ से अधिक लोगों का घर है। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां 18 विभिन्न भाषाओं को जन्म मिला है, जिनके अलग अलग मूलाक्षर हैं और 1600 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन नीलकंठ के लिए जीवन का सही मर्म शब्दों में नहीं था, किंतु जीव प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की मूक भाषा में था। नवंबर 1792 में नीलकंठ हिमालय में बद्रीनाथ पहुंचे। तब शीतकाल शुरू हो गया था। पूरा बद्रीनाथ थोड़े ही दिनों में बर्फ से ढकने वाला था।
पूरा गांव नीचे गर्म स्थानों की ओर उतरने की तैयारी कर रहा था। नीचे चले जाना चाहिए। मंदिर के पुजारी ने बाल योगी नीलकंठ को अपने साथ चलने की विनती की, लेकिन नीलकंठ का लक्ष्य हिमालय में योग साधना और ध्यान करना था। पुजारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान मानव जीवन के लिए इतना कठिन नहीं जितना दिसंबर में हिमालय। बाल योगी के जीवन के लिए चिंतित महंत ने पूछा कि इतनी कठिन यात्रा वे किस लिए कर रहे हैं। मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। अकेले ही नीलकंठ ने पृथ्वी की कठोरतम जगह में सबसे घातक मौसम में प्रवेश किया। उनके सामने हिमालय के दुनिया के सबसे ऊंचे 30 में से 29 पर्वत शिखर थे, जिसमें महान एवरेस्ट भी था, 29,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा। शून्य के नीचे 40 डिग्री तापमान में जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से कातिल हवाएं फुंकार रही हों, तब 20 मिनट भी खुले में रहना मौत का निमंत्रण है। किंतु नीलकंठ नंगे पांव खुले शरीर कैसे जीवित बच गए, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। भयानक बर्फीली घाटियों को पार करके नीलकंठ ने दर्शन किए पवित्र शिखर कैलाश के। वे मान सरोवर के किनारे पहुंचे। यह पृथ्वी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और भारत की चार महान नदियों का स्रोत। नेपाल के अन्नपूर्णा क्षेत्र में नीलकंठ पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी से गुजरे। 22,000 फीट से ज्यादा गहरी यह घाटी काली गंडकी नदी ने तराशी है। पर्वतों की ऊंचाइयों में नीलकंठ मुक्तिनाथ पहुंचे। यहां भगवान विष्णु का एक अति प्राचीन मंदिर है। इसके चारों ओर भगवान के 108 नाम के प्रतीक स्वरूप 108 पवित्र जल धाराएं बह रही हैं। यहाँ नीलकंठ ने अपने जीवन की कठिनतम तपश्चर्या प्रारंभ की। इस विलक्षण तप मुद्रा में निश्चल ध्यान मग्न नीलकंठ मन और शरीर से परे हो गए।
समय के साथ ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं उनके जीवन का प्रमुख अंग बनी रही। आज मैं आसाम में हिमालय में 4 वर्ष बिताने के बाद नीलकंठ पूर्व भारत की ओर चल पड़े। उनके वचनों को सुनने शहरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। धर्म स्थानों में जाकर नीलकंठ लोगों को अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्त करके उनमें सच्ची भगवत श्रद्धा सुदृढ़ कराते रहे। दुनिया के किसी भी देश में इतने मंदिर, इतने स्मारक और महल नहीं जितने भारत में हैं। प्राचीन काल से भारत में ऐसी वास्तुकला विकसित हुई जिसके द्वारा भव्य भवनों का निर्माण हुआ। पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ और गुंबद बने जो हजारों वर्षों तक रहेंगे। इसमें असीम शक्ति और लावण्य का संगम है। मनोरम कलाकृतियां जिनकी रचना प्राचीन भारत की मूर्तिकला ग्रंथों के अनुसार हुई है, जिन्हें युगों से अनगिनत शिल्पकारों ने हाथों से तराशा है। देश का हर कोना अलंकृत है सुंदर स्मारकों से, महलों से और पत्थरों के अभेद्य दुर्ग से। यहां कई श्रद्धा स्थान हैं। भारत मंदिरों, गिरिजाघरों, मस्जिदों और शिवालयों का एक पुष्प गुच्छ है। युगों से कला की विभिन्न परंपराएं यहां फली फूली, सुंदरता की ऐसी पच्चीकारी जो शायद और कहीं नहीं देखी जा सकती। 13वीं सदी में बना हुआ खजुराहो का मंदिर हजारों शिल्पों, अभिकल्पों, आकृतियों का एक अद्भुत संयोजन है। ताजमहल, जिसे दुनिया का एक आश्चर्य कहा जाता है और जो दुनिया भर में सबसे सुंदर परिमाण में बना स्मारक है। सांची का स्तूप, गौतम बुद्ध के सम्मान में इसे 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो सोने से आवृत है, और इलोरा में कैलाश की चमत्कृति जिसे एक ही पहाड़ी चट्टान से तराशा गया है। इसे बनाने में 150 साल लगे थे। इन मंदिरों एवं स्मारकों के उपरांत नीलकंठ पूर्व भारत के भयानक बरसाती जंगलों से भी गुजरे। हमेशा की तरह वे गोरक्ष आसन में निश्चिंत होकर सोते। वे बंगाल के सुंदर वन के जंगलों से होते हुए चलते रहे। घर छोड़ने के लगभग 5 साल बाद नीलकंठ पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी पहुंचे। यहां के राजा मुकुंद देव नीलकंठ से मिले और उन्हें रथ यात्रा के उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी के इसी रथ यात्रा उत्सव की विशाल भीड़ और विशाल रथ ने जन्म दिया अंग्रेजी के शब्द जगनॉट को। पच्चीस सौ वर्ष पुराने इस उत्सव का दर्शन करने भारत के कोने कोने से कोई 10 लाख यात्री आते हैं।
भारत में उत्सव आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है, जो कभी संस्कृत मंत्रोच्चार से व्यक्त की जाती है। नए साल की शुरुआत होती है अन्नकूट उत्सव से, जिसमें हजारों शाकाहारी व्यंजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। प्रकाश का उत्सव दिवाली, जिसे आसुरी पर दैवी तत्व एवं अंधेरे पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरा भारत जगमगाते दीपों और आतिशबाजियों के साथ आनंद से भर जाता है। और ये रंगों का त्योहार होली, चरम आनंद और हर्षोल्लास का अवसर। भारत में लावण्यमय मुद्राएं, भव्य उत्सव या मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार, सब कुछ भक्ति के ही विविध स्वरूप हैं। दक्षिण में नीलकंठ रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। 12वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में लगभग 1 मील लंबी पत्थर की परिक्रमा है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। भारत यात्रा करते करते नीलकंठ ने देखा कि भारत के लोग